नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं देश भर के 10 बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर है कोरोना से जुड़े ही। कोरोना से देश में दूसरी मौत, कर्नाटक के बाद दिल्ली में पीड़िता ने तोड़ा दम, 85 पहुंची देश भर में मरीजों की संख्या। वहीं दूसरी खबर की ओर का रुख करते हैं तो कोरोना से दुनिया भर में 5,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मृत्यु। चीन व इटली के हालात हुए बद से बदतर, अमेरिका ने जारी की इमरजेंसी। मध्य प्रदेश में बागी विधायकों को 15 मार्च से पहले पेश होने का दिया गया आदेश। अभी विधायक राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों से सरकार करेगी वसूली, ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में अध्यादेश के तौर पर पास हो चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को याद करते हुए पीएम मोदी की जमकर के तारीफ की, और वहीं भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की भी काफ़ी तारीफों के पुल उनके द्वारा बांधा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कोरोना वायरस को लेकर के मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रस्ताव को पाक ने मंजूरी दी। आपको बता दें, 7 देशों के सामने पीएम मोदी ने रखा था प्रस्ताव। अगली खबर दिल्ली के तिहाड़ जेल से है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी कोरोना को लेकर के आइसोलेशन वार्ड निर्मित किया गया। 1500 से अधिक कैदियों की गई स्क्रीनिंग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नहीं होगा हिंदुस्तान को कोई भी असर, रहते हैं यहाँ 33 करोड़ से अधिक देवी देवता। वहीं अब बात करते हैं अगली खबर का। तो दिल्ली विधानसभा में NPR NRC के खिलाफ प्रस्ताव पास। केजरीवाल ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो चित्रकूट में प्रकृति का कहर बरपा, बारिश के साथ गिरे ओले, किसान परेशान। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।